शपथ ग्रहण समारोह में आज पंजाब के भी बड़े बड़े चेहरे पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव सिंह ढींसा, जो कि अकाली दल का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन भाजपा और जेजेपी का जो अलायंस की गठबंधन की सरकार है उसके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। ढींसा साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या है आप? पहले तो अकाली दल नहीं छोड़ा मैं, अहुदे थोड़े हैं वैसे। दूसरी है, बहुत खुशी की बात है कि खट्टर साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर बने और एक नौजवान चेहरा जेजेपी का दुष्यंत चौटाला को डिप्टी मुख्यमंत्री बने, और मैं समझता हूँ ये दोनों का एक ऐसा गठजोड़ है जो 5 साल के लिए हरियाणा की तरक्की के लिए भी और हरियाणा के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। आज प्रकाश सिंह बादल भी इस समारोह में मौजूद थे, सुखबीर सिंह बादल भी इस समारोह में मौजूद थे। सो एनडीए में जेजेपी एक और पार्टी जुड़ गई। हाँ, वो तो है, कुदरती जुड़ी है क्योंकि उनका साथ आ गया, अब एनडीए में आ गए हैं। कितनी लंबी चल पाएगी आपके मुताबिक जेजेपी और भाजपा की सियासत हरियाणा में, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए थे? वो तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जब ये समझौता हो गया मिनिमम प्रोग्राम पे उनको इकट्ठे हुए हैं और वो मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चलाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सुखदेव सिंह ढींसा, जिनका कहना है कि इकट्ठे होके सरकार चलाएगी जेजेपी। पंजाब के बड़े चेहरे हैं ये, श्रोमणी अकाली दल के औहदों से इन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह ढींसा चुप बैठे हुए हैं।